नवनिर्वाचित सदस्यों की सदन में शपथ होगी। पहले सीएम डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, बाद में सभापति तालिका के सदस्य शपथ लेंगे। बीजेपी के 115 और कांग्रेस के 69 विधायक शपथ लेंगे। 8 निर्दलीय और 2 बसपा के विधायक भी आज शपथ लेंगे। आपको बता दें कि 3 अन्य दलों के 5 विधायक भी शपथ लेने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी जयपुर से। 16वीं विधानसभा का आज पहला सत्र और देखिए आज जो विधायक है वो शपथ लेंगे जयपुर से। ये बड़ी जानकारी। 199 नव निर्वाचित सदस्यों की सदन में आज शपथ होगी। पहले सीएम और डिप्टी सीएम शपथ लेंगे, उसके बाद से जो विधायक है वो आज शपथ लेंगे और बाद में सभापति तालिका के सदस्य जो है वो शपथ लेंगे। तो बीजेपी के 115 और कांग्रेस के 69 विधायक आज शपथ लेने वाले हैं। नया दौर सीधे देखने का मौका मिलेगा, उसके प्रति उत्सुकता है और कुछ करने की तमन्ना है, पूरा करके दिखाएंगे उसका विश्वास है। मेहनत रंग लाई, सदन पहुंचने का सपना साकार हुआ। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 20 दिसंबर से बुलाया जाएगा, जिसे लेकर नव निर्वाचित विधायक खासे उत्साहित। इस बार कुल 73 नए विधायक सदन पहुंचेंगे, जिसमें बीजेपी के 45, कांग्रेस के 21, निर्दलीय 5 और भारतीय आदिवासी पार्टी के 2 विधायक शामिल हैं। 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे से शुरू होगा इस सत्र में प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सर्राफ नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। दूसरे दिन यानी 21 दिसंबर को बाकी बचे विधायकों की शपथ होगी। दूसरे दिन भी जो विधायक किसी कारणवश शपथ नहीं ले पाएंगे, उन्हें बाद में विधानसभा स्पीकर शपथ दिलाएंगे। एक पंक्ति में कहें तो 16वीं विधानसभा में शामिल होने जा रहे सभी विधायक शपथ लेंगे। एक बार फिर बता दें कि शपथ लेने वालों में पहली बार जीत हासिल करने वाले विधायक ही नहीं बल्कि सभी 199 विधायक शामिल होंगे। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विधायकों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में ही शपथ लेनी होगी। विधायकों के शपथ ग्रहण के बाद 16वीं विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होगा। बहरहाल बुधवार से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र में कुछ नई तस्वीरें भी देखने को मिलेंगी। इस सत्र में हार का सामना कर चुके गहलोत मंत्रिमंडल के 17 मंत्री नहीं दिखाई देंगे। पिछली 7 बार की तरह कालीचरण सर्राफ इस बार भी विधानसभा में नजर आएंगे। बीजेपी में आला कमान के आदेश पर सांसदी छोड़कर विधायकी का चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने का ख्वाब देखने वाले 3 सांसद अपने मकसद में नाकाम रहे। बाल मुकुंदाचार्य, बाबा बालकनाथ, प्रतापपुरी और ओटाराम निवासी समेत 4 धर्मगुरु विधानसभा में दिखाई देंगे। पूर्व राज परिवार के कई सदस्य वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, कल्पना सिंह, सिद्धि कुमारी, विश्वराज सिंह मेवाड़ सदन पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि कांग्रेस के विश्वेंद्र सिंह विधानसभा में नजर नहीं आएंगे। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतता, ये मिथक इस बार भी बरकरार रहा है। इस बार सीपी जोशी सदन पहुंचने में नाकाम रहे। मंगलवार को कई विधायकों ने विधानसभा पहुंचकर अपने पास बनवाए। इस दौरान सिविल लाइन से बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा विधानसभा सत्र को लेकर खासे उत्सुक दिखाई दिए। एक नया दौर सीधे देखने का मौका मिलेगा, उसके प्रति उत्सुकता है और कुछ करने की तमन्ना है, पूरा करके दिखाएंगे उसका विश्वास है। पत्रकार से राजनेता बने गोपाल शर्मा ने उम्मीद जताई कि भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर होगा। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बहुत से नेता हैं जो बड़प्पन भी रखते हैं, जनता से जुड़ाव भी रखते हैं और कर्तव्य निष्ठा से पार्टी की उन्होंने सेवा की है। भजन लाल जी उसमें एक बहुत मजबूत नाम है, जिनके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं है और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी खुशहाल राजस्थान के सपने को स्थापित करके रहेगी। 21 दिसंबर को बाकी बचे विधायकों की शपथ और विधानसभा स्पीकर का चुनाव होगा। आपको बताते चलें कि 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था। 3 दिसंबर को आए चुनावी नतीजे में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की।
69 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमलावर थी। आखिरकार बीजेपी ने चुनावी नतीजों के एक सप्ताह बाद भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुन लिया। बीजेपी ने मुख्यमंत्री के अलावा दो डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला भी राजस्थान में लागू किया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल भायल की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज जो विधायक चुन करके आए हैं उनका शपथ होना है, कितने बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है, तैयारियां क्या देखने को मिल रही हैं? देखिए, 16वीं विधानसभा की, नवगठित विधानसभा की आज पहली बैठक होगी और इस पहली बैठक में सबसे पहले सदस्यों को शपथ दिलवाई जाएगी, जिसमें अभी 199 सदस्यों को शपथ होगी, क्योंकि श्री करणपुर में चुनाव स्थगित हो गया था, 5 जनवरी को वहां मतदान होगा। 199 जो सदस्य है वो आज शपथ लेंगे, आज और कल का समय नियत किया गया है। इससे पहले आज मध्याह्न पूर्व अध्यक्ष पद के निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, नामांकन पत्र आज सचिव के कार्यालय में दाखिल होगा। तो आज की एक बड़ी खबर के रूप में ये देख सकते हैं कि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए आज नामांकन होगा और मध्याह्न पूर्व यानी दोपहर 12 बजे तक में ये नामांकन हो जाएगा। अब बीजेपी की तरफ से अभी जो नामित किए गए हैं, जो प्रत्याशी के तौर पर देखे जाते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, मनोनयन नहीं होता है, इसलिए नामांकन की परीक्षा होगी, क्योंकि जो सदन के अंदर जो जीत के आए सदस्य हैं वो उनको उनके लिए मतदान करते हैं। लिहाजा माना यह जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ही अध्यक्ष बनते हैं, लिहाजा इस बार भी सत्ता पक्ष की ओर से ही अध्यक्ष बनेंगे। तो वासुदेव देवनानी जो बीजेपी की ओर से और बीजेपी की जो बहुमत अभी उनको प्राप्त हुआ है उनकी तरफ से वो नामित किए गए, इसलिए उनका बनना तय है। तो आज नामांकन की प्रक्रिया होगी, इसके अलावा जो सदस्य है उनको शपथ होगी। मैं आपको बता दूं कि 73 ऐसे सदस्य इस बार निर्वाचित होकर आए हैं जो पहली बार विधानसभा के अंदर सदन के अंदर अपना पैर रखेंगे। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर वो पहुंचे हैं, जिसमें भाजपा के सबसे ज्यादा 45 सदस्य वहां पहुंचे हैं। इसी तरह 21 सदस्य हैं वो कांग्रेस के हैं, 5 निर्दलीय ऐसे सदस्य हैं वो भी पहली बार विधानसभा में जीतकर पहुंचे, और भारत आदिवासी पार्टी के 2 सदस्य हैं जो पहली बार पहुंचे। इस तरह से 73 जो विधायक हैं, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो पहली बार सदन के अंदर पहुंचेंगे। जहां तक प्रोटेम स्पीकर की बात की जाए, कालीचरण सराफ 8 बार के विधायक हैं, लिहाजा उनको प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई है और आज वो बाकी के सब लोगों को शपथ दिलाने वाले हैं। जो शपथ का क्रम रहेगा वो कुछ इस तरह से रहने वाला है कि पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे, फिर दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, फिर जो 3 सदस्य सभा तालिका के हैं जो प्रोटेम स्पीकर के कार्य में सहयोग करेंगे उनको शपथ दी ली जाएगी, फिर वर्णानुकार यानी अल्फाबेटिक जो नाम के क्रम के अनुसार है उनको शपथ होगी। इसके बाद ये शपथ का कार्यक्रम पूरा होने के बाद कल तक के लिए 11 बजे तक के लिए सुबह के लिए स्थगित विधानसभा की कार्रवाई कर दी जाएगी और कल जो बचे हुए सदस्य हैं जो बच जाएंगे। ठीक है सुधीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।